जेलों की सुरक्षा से मुड़ उठे सवाल। कैदी ने इंस्टाग्राम से रील बनाई, कहिंदा कैदी कूदी नहीं, मैं तो हाँ सरकार का जवाई। एक बार मुड़ तो जेल के अंदर की एक वीडियो निकल के सामने आ गई है। इस वीडियो के सामने आने तो बाद एक बार मुड़ तो जेलों की सुरक्षा से कई सवाल खड़े हो गए ने। जी हाँ, एक कतल केस बंद एक कैदी के वलों ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई है। इस शख्स ने इतों तक लिख दिता है कि मैं तो सरकार का जवाई हाँ। जी हाँ, इस वीडियो के सामने आने तो बाद जेल प्रशासन नू, पुलिस प्रशासन नू, सरकार नू हत्था पैरां दी पै गई है। ये सब एक बार मुड़ तो विरोधियों के निशाने ते आ गए ने। पूरा मामला की है इस रिपोर्ट च वेखो। जी हाँ, जेल चो होए लॉरेंस बिश्नोई दे इंटरव्यू ने पहला ही सरकार ते जेल प्रशासन नू मानयोग हाई कोर्ट तो बालियां झड़कां पवाईयां। सरकार ते जेल प्रशासन दियां बालियां मुश्किलां वधाईयां। विरोधियों तो लैके हर कोई सूबे दियां जेलां दी सुरक्षा नू लैके सरकार नू घेरन लगा, सवाल पुछन लगा। सर्दियां आ गईयां पर मुद्दा ठंडा नहीं पिया। ते हुण तां जेल दे अंदरों एक होर अजिही वीडियो निकल के सामने आई है जिसने जेलां दी सुरक्षा दे मुद्दे नू होर गरमा दित्ता है। सरकार, पुलिस ते जेल प्रशासन दियां मुश्किलां नू वधा दित्ता है। ना ना ना, इस बार इंटरव्यू तां नहीं होई, इस बार सोशल मीडिया ते पोस्ट पाई गई है। जी हाँ, एक शख्स जो कि इस समय जेल च बंद है उस वल्लों सोशल मीडिया ते एक पोस्ट पाई गई है ते इत्थों तक कह दिता गया कि मैं तां सरकार दा जवाइयां जवाई। जी हाँ, कांग्रेस आगू गुरलाल पलवान के कतल मामले च फरीदकोट जेल च बंद आकाश नाम के शख्स वालों सोशल मीडिया से पाई गई है पोस्ट काफ़ी वायरल हो गई है। इस वीडियो ने मुड़ तो सूबे दियां जेलों की सुरक्षा से कई सवाल खड़े कर दिते ने। यह साबित कर दिता है कि जेलों च लगातार मोबाइल पहुँच भी रहे ने ते कैदी शरेआम खुलेआम इन्हों का इस्तेमाल भी कर रहे ने। दसिया जा रहा है कि बीते दिन आकाश नाम के इस शख्स वालों अपने इंस्टा अकाउंट से यह पोस्ट पाई गई सी जिस उसने खुद को सरकार का जवाई तक करार दे दिता। उत्थे जद सोशल मीडिया से वायरल हो रही इस पोस्ट से जब साडे सहयोगी वालों फरीदकोट के एस पी हैडक्वार्टर जसमीत सिंह नू सवाल पूछे गए कि भाई आखिर की हो रहे, अपने आप नू सरकार दा जवाई आखण वाला यह शख्स है कौन, इस दे कोल फोन भला किवें पहुंचया, यह इंटरनेट किवें इस्तेमाल कर रहा है, इस दे नाल जो शख्स नज़र आ रहा है वह कौन है, तो अग्गों फिर भला की जवाब मिलिया, लो तुसीं खुद ही सुन लो। ਇਹਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਮੇਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ, ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਬਾਰੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ। ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।